देखो कुछ लोग बुराई से बचते हैं, आदत होती है उनको बचने की, लेकिन बुराई से नफरत नहीं होती उनको, वैसे ही बच रहे होते हैं। इससे बेहतर वो है जो बुराई से नफरत करता है, अगरचे बुराई उससे हो जाती है, लेकिन ये फिर भी उससे बेहतर है। ये नहीं कि आप नफरत करके बुराइयां करना शुरू कर दें, मेरा मतलब कंपेयर करना है। दिल की अमल की वैल्यू शरीयत में जिस्मानी अमल से ज्यादा है। मोहब्बत करना, नफरत करना, ये जिस्मानी अमल है, दिल का अमल है, दिल का अमल है। तो इस्लाम ये कहता है कि जिससे मोहब्बत होगी ना, कयामत में होगे उसी के साथ, अगरचे बदअमली की सजा खाने के बाद होगे, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर उसके साथ नहीं होगे आप, चाहे कितने ही नेक अमल कर लो। नहीं आ रही बात? तो नेक लोगों से मोहब्बत, पैगंबरों से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, मुहद्दिसीन फुकाहा से मोहब्बत, ये हल्की चीज़ नहीं है। आज हमारा जो एक लिबरल तबका है ना, उसका बड़ा मसला बदअमली नहीं है, उसको काफिर से मोहब्बत मुसलमान से ज्यादा हो गई है। वो कहते हैं यार काश हम अमेरिका में पैदा हो जाते, यार गोरों वाली लाइफ होती हमारी, अगरचे वो जुमा भी पढ़ते हैं, समझ रहे हो, टोपी भी पहनते हैं, ईद के दिन नहाते भी हैं, अमल के लिहाज से मुसलमान है, लेकिन उनकी सोच क्या है कि कामयाब कौन है? अंग्रेज कामयाब है, मोहब्बत उससे है, ये ज्यादा बर्बाद है। और एक है पैदा अमेरिका में हुआ, सारे स्टाइल अंग्रेजों वाले, दिल कहता है काश मैं मक्का मदीना में पैदा हो जाता यार, काश मैं इस्लामी मुल्क में पैदा हो जाता। कहाँ पैदा हो गया, बुराइयों में लग गया, और लगा हुआ है बुराइयों में, लेकिन उसकी उसकी सोच क्या है कि काश ऐसा ना होता। खुदा की कसम ये दूसरा पहले से अल्लाह की नजर में अफजल है। अबे क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आ रहा, बात खिचड़ी पक गई है, बयान की कहाँ से लेके चले थे इधर उधर, हमने कौन सा कोई एमए इस्लामियात का पेपर देना है? अच्छी बात है, जितनी हो जाए अच्छा है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे।